राजस्थान के करौली जिले की सीमा के में स्थित मंडाल रोड पर गाड़िया लोहर की बस्ती, जिनके बच्चे शिक्षा के लिए सरकार से फरियाद कर रहे हैं कि हमें शिक्षा चाहिए और हमारे कोमल हाथों को हथौड़ा नहीं चलाना, हमें स्लेट कलम बैग लेकर विद्यालय जाना है। तुम्हारा नाम क्या है और कितनी साल है तुम्हारी तुम्हारी उम्र कितनी है? 9 साल। तुम पढ़ते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? पहली में। पहली में पढ़ते हो? तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है या काम करना अच्छा लगता है? पढ़ना। काम करना अच्छा नहीं लगता अपने पापा को? लगता है। क्यों नहीं लगता है? ऐसे धंधा है नहीं। अब शुरू से अब तक क्या करते थे आप? बोल के फिर क्या करते थे? वहाँ कुछ मांग के लाते थे आप? ऐसे मांग के खा ले। कितने दिन हो गए बेटा स्कूल? 1 तारीख। उससे पहले स्कूल नहीं थे क्या तुम्हारे यहाँ पे? तो तुम्हारा स्कूल कहाँ पे है? घर में खुला। तुम्हारे घरों में? तो सरकार ने अलग से स्कूल नहीं खुलवाया तुम्हारे लिए? नहीं खुलवाया। पढ़ने तो अभी से जाते, उससे पहले क्या करती थी? लोग उड़ती और धंधा करती, रोटी मांग के खाती। गाड़िया लोहार का कहना है कि हमारा जीवन तो गाड़ी और जंगल का रहना है, लेकिन हम हमारे बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं, पर क्या करें, विद्यालय में पूर्ण शिक्षा नहीं मिलने के कारण बच्चों का भविष्य अंधकार में डूब रहा है। मंजूरी का कादे सबका काम करना पड़ता है। काम करना पड़ता है ना, हमारी बच्ची नाच कूद के पेट फाटा फाटा जाता है। तो नाचना कूदना तुम्हें अच्छा लगता है? फिर क्यों करती हो फिर नाचना? पेट के लिए करते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा 1 अप्रैल 2010 में घोषणा की गई है कि कोई भी बच्चा सरकार की योजना के अनुसार शिक्षा से वंचित न रहे और राज्य सरकार की ओर से वैकल्पिक शिक्षा ग्रेस को संचालित करने की अनुमति है। फिर भी गाड़िया लोहारों की बस्ती में कभी सर्वे नहीं किया गया है और ब्रज कोष के लिए लाखों रुपए आते हैं, लेकिन बच्चों की सुविधा के अनुसार खर्च नहीं किया जाता है। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहर्ड के।